हाय गाइस, दिस इज़ जाहिद हुसैन। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ट्रांसफार्मर के पास, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो डिवाइस है, जो ये घड़ी में कांटे जैसे, इसका नाम क्या है। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक ऑयल गेज। आज जानेंगे कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो एक हमारे पास में एक फॉल्टी छेमोजी है, ये चलते हैं उसके पास लेकर। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास में एक मैग्नेटिक ऑयल गेज है, जिसका पूरे मॉडल आप देख सकते हैं। ये इस टाइप का, ये आपका कंजर्वेटर के अंदर ऑयल में पूरी तरह से डिप रहता है ये पोर्शन, और ये आपको बाहर से दिखता है। ये जो आपको बाहर से दिखता है, अब सपोज़ करो कि ये पूरी तरह से जब ऑयल में डिप है, तो अगर लेवल ऑयल का लो है, तो ये पूरा ये जो एक सिलेंड्रिकल टाइप का, एक डमरू टाइप का आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ऑयल का लेवल बढ़ेगा, ये फ्लोट जो है, ये फ्लोट भी लेवल के हिसाब से ऊपर आएगा। अभी आप थोड़ा सा इधर से रिलेट कर पाओगे, ये देखो, ये अभी लो लेवल पे दिखा रहा है, क्योंकि इसका फ्लोट पूरी तरह से डाउन है। जैसे जैसे आप इसमें तेल भरेंगे, ऑयल भरेगा, ये ऊपर उठते चले जाएंगे, ठीक है। इज़ इट मेक सेंस? तो ऐसे ही ये फ्लोट है, ये फ्लोट जैसे 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 ही ये फुल पूरी तरह से, अगर ऑयल फुल है तो ये लेवल फुल दिखाएगा। जैसे जैसे किसी लीकेज की वजह से या ऑयल का लेवल कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये डाउन होता चला जाएगा। और आप जैसे ही ये मिनिमम पे आएगा, तो ये नीचे टर्मिनल है, यहाँ से वो हुटर को अलार्म जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये एमओजी काम करता है। अगर फ्लोट ऊपर है, फुल है तो ऊपर है, अगर लो लेवल आ रहा है तो वो इस टाइप से फ्लोट के बेसिस पे रहते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इसमें पूरा गियर्स के सिस्टम है, जो किसी भी वॉच में आप देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है। ये देखो, ये जस्ट पीछे एक सर्कल, एक रोटेटिंग पार्ट है, जो आपस में गियर्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, और वो जो रोटेटिंग पार्ट है उससे वो इनका नीडल कनेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये कहलाता है एमओजी, मैग्नेटिक ऑयल गेज। मैग्नेटिक इसलिए कहते हैं इसे, क्योंकि इसके बीच में ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट करें, इसके बीच में एक मैग्नेटिक पार्ट है। जिस तरह से बचपन में हम लोग नहीं सिक्के एक तरफ पेपर के एक ऊपर सिक्के रखते थे और नीचे से मैग्नेट को मूव करते थे, तो ऊपर सिक्के भी मूव होते थे, जो एक मैजिक हम दिखाते थे, ठीक वही फंक्शन है। इसके बीच में मैग्नेट है और दूसरी तरफ ये नीडल है। अगर ये डायरेक्ट रहेंगे तो ऑयल का लीकेज होने से ये नीडल में तो पूरा ग्लास में तो ऑयल भर जाएगा ना, इसलिए वो बीच में एक सेपरेटर आप कह लो बीच में लगा रखा है, ठीक है। होप ये आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।